दोस्तों आप भी अगर चाहते हैं इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर कहीं भी सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट मैं बुक करूं, तो ये चीज को पॉसिबल बनाता है स्काई स्कैनर। दरअसल इस वेबसाइट का काम ये है कि ये सभी वेबसाइट को स्कैन करता है और देखता है कि सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट कौन सा वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर सकता है, और जो भी वेबसाइट सस्ता दे रहा होगा उसके ऊपर ये रीडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्काई स्कैनर से एक फ्लाइट टिकट को बुक करते हैं। पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो स्काई स्कैनर डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में मिल जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आप फर्स्ट टाइम होंगे तो जीमेल आईडी से आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों मेन डैशबोर्ड के ऊपर तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, फ्लाइट, होटल और कार, ठीक है। लेकिन हमें जाना है फ्लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए आपको ये तो पता होगा कहां से कहां तक जाना है, तो फ्रॉम और टू में आपको एंटर कर देना है, और यहां पे किस डेट को जाना है वो सेलेक्ट कर लेना है, किस डेट को आना है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप वन वे ट्रिप करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ जाना ही चाहते हैं, आना जाना एक साथ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको वन वे ट्रिप के ऊपर सेलेक्ट करना होगा। चलिए मैं वन वे करके मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए इसके लिए हम एक ट्रिप को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम में यहां पे मैं न्यू दिल्ली ही रहने देता हूं, ठीक है, और टू में यहां पे मैं चलो पटना ही रहने देता हूं, ठीक है। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए आज का डेट है 7 जनवरी और आज का फ्लाइट टिकट 3900 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही सस्ता यहाँ पे मिल रहा है। वहीं पे देख लीजिए कल का टिकट 2837 रुपए में मिल रहा है, और ये प्राइस हमें लग रहा है कि ट्रेन से अगर राजधानी में ट्रेवल करे तो भी इससे महंगा ही पड़ेगा। कंपेयर के लिए मैं मेक माय ट्रिप पे भी आपको दिखा देता हूं कि क्या प्राइस चल रहा है सेम रूट का, सेम डेट का। तो MMT के ऊपर देख लीजिए आज का फ्लाइट है वो 5113 रुपए का है, और कल का जो है यानी कि 8 जनवरी का वो 4905 रुपए का है। और जैसे ही हम इसे बुकिंग करेंगे तो कन्वीनियंस चार्जेस हो गया, तो ये सब ऐड होकर के थोड़ा और ज्यादा बन जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो पता चल रहा है कि सबसे जो चीपेस्ट है वो स्काई स्कैनर है, लेकिन दोस्तों बात यहां पे खत्म नहीं होता है। एक टिकट को हम बुक करके भी आपको दिखाने वाले हैं। चलिए सस्ता वाला यानी कि कल वाला टिकट को नीचे कंफर्म बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद हमें इस सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और देख लीजिए अगले पेज के ऊपर आकर के अगर प्राइस आपको ज्यादा दिखा रहा है तो सबसे ऊपर देख लीजिए आपको चीपेस्ट के ऊपर सेलेक्ट कर देना है, तो सबसे चीप वाला जो होगा वो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर निकल के आ चुका है, ये है एयर इंडिया का फ्लाइट है जो कि 4:45 में दिल्ली से चलेगा और 6:35 में पटना पहुंचा देगा, और 2992 रुपए का होने वाला है, डायरेक्ट फ्लाइट है। ऐसा नहीं है कि सस्ता मिल रहा है तो आपको पहले कोलकाता ले जाएगा, फिर वहां ले जाएगा और टाइम खराब करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे फ्लाइट आपको दिखेंगे, जो भी बुक करना होगा उसके ऊपर टैप करके कंटिन्यू कर देना है। चलिए फिलहाल में सबसे सस्ता वाला यानी कि यही जो एयर इंडिया वाला है इसको हम बुकिंग करेंगे, तो उसके ऊपर सेलेक्ट कर लिया हमें। उसके बाद देख लीजिए आप फ्लाइट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है, व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके और भी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल चलिए यहाँ पे चूज ए प्रोवाइडर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और देखिए कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आप देख लीजिए स्काई स्कैनर हमें बता रहा है अगर आप इज माई ट्रिप से बुक करते हैं तो 2992 रुपया लगेगा, ठीक है। ट्रेवल्स को कंपनी से बुक करेंगे तो 3100 रुपया लगेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस पेज को छोड़ना नहीं है, इसी पेज से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस ऐप को बंद करके आप डायरेक्टली इज माई ट्रिप के ऊपर जाकर के बुक करें, वो तो फिर महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। इसी के थ्रू आपको जाना है। चलिए इक्सीगो के थ्रू अगर आप बुक करते हैं तो 3260 इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे सबसे सस्ता है तो गो टू साइट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और अब ये इज माई ट्रिप के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। अगर आप डायरेक्टली इज माई ट्रिप के ऊपर जाकर के करोगे तो इतना सस्ता नहीं मिलता है। तो अब हमें ये प्रॉपर इज माई ट्रिप के ऊपर रीडायरेक्ट कर चुका है, ऊपर URL आप देख सकते हैं, इज माई ट्रिप का URL है। और उसके बाद देखिए आपके कंफर्मेशन के लिए इज माई ट्रिप अपने तरफ से आपको फ्लाइट का सारा डिटेल कंफर्म करवा रहा है, जो कि फ्लाइट का टाइमिंग आप देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करके और आप इंश्योरेंस को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस को मैं डिसएग्री करने वाला हूँ, और यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यू टू बुकिंग के ऊपर सबसे नीचे हम क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए हमें पैसेंजर डिटेल एड करना है, एड एडल्ट के ऊपर क्लिक करके, और उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहां पे एंटर करना है ताकि टिकट डिटेल हमें ईमेल और मोबाइल के थ्रू हमारे साथ शेयर किया जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या है यहां पे, तो और कुछ भी नहीं है, एक टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके और कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर क्लिक करना है। चलिए फटाफट से फिल करते हैं, तो पैसेंजर डिटेल एड कर लेते हैं, तो एड एडल्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देख लीजिए मिस्टर है या मिसेज है या हमारा जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको सेलेक्ट करके सेव ट्रेवलर के ऊपर क्लिक करना है। और अब ये हमें डायरेक्टली पेमेंट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर चुका है, और देख लीजिए लकीली यहाँ पे यार अमाउंट कम हो गया है,
हर वेबसाइट के ऊपर अमाउंट बढ़ जाता है एंड में, और यहाँ पे अमाउंट कम होकर के 2992 रुपया हो गया है। और इसी के साथ साथ एंड पेज के ऊपर आकर के आपको रिव्यू करना है फ्लाइट का, डिटेल में जानना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं, फेयर हो गया और भी सारे चीजें हो गया, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कार्ड डेबिट कार्ड एटीएम यहाँ पे ऑप्शन है, तो चलिए मैं यहाँ पे यूपीआई ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल करके और वेरीफाई एंड पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिलहाल तो दोस्तों हमें इस टिकट का नीड नहीं है, तो यहाँ से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट कन्फर्म करते हैं तो आपको ईज माई ट्रिप से आपने जो ये ईमेल आईडी दिया था उसके ऊपर एक पीडीएफ भेज दिया जाता है, जहां पे आपका टिकट का सारा डिटेल रहेगा, बकायदा पीएनआर नंबर भी आपको मिल जाता है। बस पीएनआर नंबर ही मेन होता है, पीएनआर नंबर से ही आपको बोर्डिंग पास जनरेट करना होता है, जो कि जो भी ट्रेवल डेट है उससे 24 घंटा पहले बोर्डिंग पास खुल जाता है, यानी कि आप उनके वेबसाइट से पीएनआर नंबर डाल करके बोर्डिंग पास को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने देखा यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, जो कि आपको सीट सेलेक्ट करना पड़ेगा बोर्डिंग पास के समय ही। और सीट का आपको पता ही होगा, विंडो सीट लेते हैं तो 100-150 रुपया ज्यादा लिया जाता है, और बीच वाला सीट लेते हैं तो कई बार फ्री में मिल जाता है या कई बार 99 रुपये लगता है। तो सीट का जो प्राइस है फ्री से लेकर के 200-300 तक जाता है, तो आप अपने च्वाइस के मुताबिक वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं और बोर्डिंग पास जैसे जनरेट कर लेंगे उसके बाद आप फ्लाइट जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जो बोर्डिंग पास है वही मेन होता है, वही आपसे हर जगह मांगा जाएगा, आपको वही दिखाना पड़ेगा और कुछ भी आपको एडिशनल नहीं लगेगा। बस आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए सेम नाम का, जिस नाम से आपका पीएनआर बना है। तो दोस्तों आशा करता हूं मैं पूरा जानकारी दे पाया हूं। तो चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आप हमारा क्रेडिट कार्ड और लोन वाला चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कोड में मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।